फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि प्रेगनेंसी में जो डॉक्टर हमारे वजाइनल एरिया में फिंगर इंसर्ट करके देखते हैं, तो ये किस किस महीने में देखते हैं और ये क्यों देखते हैं, इस सब के बारे में अच्छे से बताने के लिए। तो देखिए, जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो अलग अलग महिलाओं में अलग अलग टाइम पे डॉक्टर फिंगर इंसर्ट करके देखते हैं। वो डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी की सिचुएशन कैसी है। जैसे कि बहुत सारी महिलाओं को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, जैसे कि मुझे थी, मेरी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम मुझे होती थी, तो काफ़ी टाइम वो ये चेक करने के लिए मुझे फिंगर इंसर्ट करती थी, वो देखने के लिए कि ब्लड का जो कलर है वो एक्चुअली में किस कलर का है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही हो और उसका कलर लाल रंग का हो तो वो मुश्किल हो, मतलब उस समय आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है टर्मिनेट हो गई हो, या फिर अगर वो ब्राउन कलर की ब्लीडिंग दिखती है तो इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी आपकी सही सलामत है, ऐसा कहा जाता है। और इसकी वजह से भी वो डॉक्टर देखती हैं। तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरी जो प्रेगनेंसी थी, तो मेरी प्रेगनेंसी में जो पहली प्रेगनेंसी थी उस समय 4 महीने में मुझे डॉक्टर ने आई थिंक 2 बार मेरे वजाइना में फिंगर इंसर्ट करके उन्होंने चेक किया था, क्योंकि उस समय मेरा बेबी ऑलमोस्ट 4.5 महीने के लगभग में उसको प्रॉब्लम हुई थी, तो उस समय उन्होंने इंसर्ट किया था। और ये घटना है 2015 की। उसके बाद 2016 में जब मैं कंसीव की थी सेकेंड टाइम, तो उस समय डॉक्टर ने 2 बार मेरा फिंगर इंसर्ट करके उन्होंने चेक किया था। एक तो पहली बार जब अल्ट्रासाउंड में मेरा बेबी, जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है उसमें मेरा बेबी नहीं दिखा और मुझे ब्लीडिंग भी आने लगी, तो वो ब्लीडिंग को देखने के लिए, पता नहीं वो ब्लीडिंग का शायद कलर ही देखने के लिए अगेन उन्होंने चेक किया था। ओके, जब थर्ड टाइम मैं कंसीव की, जो अभी मेरा बेबी बॉय है, तो उस समय जब मैं कंसीव की थी तो उस समय डॉक्टर ने एक पहली बार मुझे जब चेक किया था तो 3 महीना मैं कंसीव थी। दूसरी बार जब चेक किया था तो मैं आई थिंक 6-6.5 महीने कंसीव थी। और तीसरी बार जब चेक किया था तो 9 महीने कंसीव थी। 9 महीने का स्टार्टिंग में भी उन्होंने चेक किया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी जो डिलीवरी थी वो 42 वीक में हुई थी, तो 41 वीक में भी उन्होंने फिंगर इंसर्ट करके मेरा चेकअप किया था। तो इस टाइम में मेरा टोटली 4 बार उन्होंने फिंगर इंसर्ट करके चेक किया था। अब हम बात करते हैं कि फिंगर इंसर्ट क्यों किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे केस में ब्लीडिंग हो रही थी मुझे, तो इस कारण भी फिंगर इंसर्ट की थी। लेकिन डिलीवरी के टाइम में डॉक्टर फिंगर इंसर्ट करके ये देखते हैं कि आपका जो वजाइनल ओपनिंग है वो कितना हुआ है, क्योंकि डिलीवरी के लिए 10 सेंटीमीटर वजाइना का ओपन होना जरूरी होता है। और डॉक्टर यही चेक करते हैं कि आपके जो वजाइना की ओपनिंग है, सर्विक्स कितना ओपन हुआ है, ये चेक करते हैं ताकि वो सही समय पर बच्चा डिलीवर कर पाओ आप, और आपको, आपकी जो भी इंटरनल हेल्थ होती है उसको भी वो चेक करती है। तो ओवरऑल वजाइना में फिंगर डॉक्टर अलग अलग बॉडी के हिसाब से अलग अलग टाइम में देख सकती है किसकी बॉडी में क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम है, इस सब के हिसाब से डॉक्टर चेक करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना भी एक्सपीरियंस बताया। अगर आप लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया है तो मुझे मेरे वीडियो में ज़रूर बताना कमेंट के थ्रू कि आप लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया है अपने प्रेगनेंसी में, और आप लोगों को पूरी प्रेगनेंसी के टाइम में डॉक्टर ने कितने बार फिंगर इंसर्ट किया है आपके वजाइना में। और अगर आप रीज़न जानते हो कि किस वजह से उन्होंने इंसर्ट किया है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि जो मेरे बाकी व्यूवर्स हैं जो इस बारे में कंसर्न रहते हैं उनको जानना होता है, तो आपके कमेंट के थ्रू वो अच्छे से जान पाए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा जिससे कि आपको मेरे न्यू वीडियो की अपडेट्स मिले। इसके अलावा मेरे और भी चैनल हैं जिस पर मैं काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, तो वो वीडियो भी देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो पिन कमेंट में मैं चैनल्स के लिंक दूंगी, आप उनको भी विजिट करना। अगर आपको वहाँ के वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ उसे भी जरूर सब्सक्राइब करना और हमारे साथ ऐसे ही बने रहना। हमारे सारे चैनल पे आपका प्यार और दुलार सब कुछ चाहिए, तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। चलिए, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे किसी अच्छे वीडियो में। और हाँ, नए वीडियो की जो भी क्वारीज हो, जो भी नया वीडियो आपको जिस टॉपिक पे देखना हो उस टॉपिक को जरूर यहाँ पे लिखिए, ताकि मैं उस पर अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँ। चलिए, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।